तेरेवी में हुए दिन दहाड़े सनसनीखेज राजेश हत्याकांड का पुलिस और एसओजी टीम ने किया खुलासा। राम प्रताप ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने को दी थी अपने दुश्मन सहवीर को मारने की सुपारी। भूल से राजेश को उतारा था मौत के घाट। राम प्रताप और सहवीर में चल रहा था नगला डहर में बने स्कूल को लेकर कई वर्षों से विवाद। बता दें 4 नवंबर को हुई थी नगला गुलाल में गोली मारकर हत्या। दो हत्या आरोपियों को नगला खंगर पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और पल्सर बाइक बरामद। दिनांक 4/11 को थाना नगला खंगर के गाँव नगला गुलाल में एक कार्यक्रम हो रहा था। वहाँ पर लगभग शाम के 5 बजे एक व्यक्ति को बाइक सवार लोगों ने गोली मारी। 2 व्यक्ति थे बाइक पर और उसके बाद सूचना मिलते ही तत्काल वहाँ पे हमारे SHO नगला खंगर और पूरी टीम, हमारी फॉरेंसिक की टीम, हमारी SOG सभी लोग वहाँ मौके पर पहुँचे। उसके बाद उस मृतक जो उनको गोली लगी थी उनकी मौत हो चुकी थी। उनकी पहचान राकेश कुमार के रूप में हुई, राजेश कुमार के रूप में हुई। और ये उसके बाद हमने तत्काल छानबीन शुरू कर दी। हमारी टीमें लग गई कि जो बाइक सवार थे उसके घेराबंदी कराने का प्रयास किया गया। उस समय कुछ सफलता नहीं मिली। उसके बाद इस मामले की छानबीन शुरू की गई। छानबीन में पता चला कि एक राम प्रताप जो नगला गुलाल का ही रहने वाला है, वह व्यक्ति अपने गाँव के सहवीर नामक व्यक्ति से जमीन के विवाद में काफ़ी दिनों से उलझा हुआ है और इन लोगों के बीच में काफ़ी पहले भी विवाद हुआ है, जिसमें 2018 में जो सहवीर व्यक्ति है उसके बेटे भूपेंद्र ने राम प्रताप के पिता को गोली मारी थी। उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ था और उसका जो सहवीर का बेटा भूपेंद्र था जेल गया था। इस बात को लेकर के सहवीर और राम प्रताप की पुरानी दुश्मनी थी और राम प्रताप भी सहवीर को इलिमिनेट कराने का प्लान कर रहा था और उसी के लिए उसने एक मैनपुरी के एक राहुल को कांटेक्ट किया। और ये कांटेक्ट कराने वाला व्यक्ति था ब्रजेश उर्फ लाला, जो एक हिस्ट्री सीटर है, जो मैनपुरी का जो यही नगला खंगर का हिस्ट्री सीटर है। ब्रजेश उर्फ लाला ने इसको राहुल को राम प्रताप से मिलवाया और एक हार्ड क्रिमिनल की तरह, कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरह यह व्यक्ति, उसको सारी सुविधाएँ दी गई, उसको उससे रेकी कराई गई और उसके बाद उसको कहा गया कि तुम्हें सहवीर पर अटैक करना है, सहवीर को मारना है। लेकिन वो संभवतः मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसकी और वो सहवीर मान करके राजेश के ऊपर गोली चलाई, जिससे राजेश की वहीं पे मौके पर डेथ हो गई थी। इस प्रकार हम लोगों ने इस मामले का खुलासा किया है। इसमें राम प्रताप और जो किलर था राहुल, दोनों को अरेस्ट किया है और इनसे बाइक जो उस समय यूज़ की गई थी वो बरामद हुई है। घटना के समय दोनों ही बाइक पर थे और बाकी जो एक ब्रजेश है उसके पीछे हमारी टीम लगी हुई है। उसमें जो इनकी जान पहचान हुई थी वो जेल में हुई थी, राहुल में और ब्रजेश में। बाकी इसमें असलहे बरामद हुए हैं और इसमें हमारी जो CO सिरसागंज SOG की टीम और हमारे यहाँ क्राइम की टीम, साइबर की टीम और जो SHO नगला खंगर है, इन सब लोगों ने अथक प्रयास किया है और इन लोगों को इसके लिए SSP साहब की तरफ से 10,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है। थैंक यू। फिरोजाबाद में खुल गया अडोर यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी हेयर फिक्सिंग। एक छत के नीचे लेडीज एंड जेंट्स के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध। अडोर यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी, अडोर यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी पर आएं और यह सुविधा बहुत ही कम दामों में पाएं। हेयर फिक्सिंग ट्रेनिंग एकेडमी, ब्राइडल मेकअप, मैनिक्योर, पेडिक्योर, रिबॉन्डिंग, केराटिन, स्मूदिंग, नैनोप्लास्टिया, फैशन कलर, पार्टी मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप। अडोर यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी, पता MG रोड ट्रेंड्स मॉल के नीचे ICICI बैंक के सामने। मोबाइल नंबर जावेद 9045511998।
अब आपको मिलेगी सबसे कम दामों पर दवा। जनसेवा 24 मेडिकल, शीतल खान रोड, नगलाबरी चौराहे के नजदीक। मंजूर भाई की मार्केट फिरोजाबाद में खुल गया है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें।